शत्रुम् अभयम् सुसुखं कर्त्रिम् अभयम्। राजविद्या राजगुह्यम् पवित्रमिदमुक्तम् प्रत्यक्षावगमम् धर्म्यम् सुसुखं कर्त्रमभयम् सुसुखं कर्त्रमभयम्। भाव पढ़ो, भावार्थ पढ़ो। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। भगवद गीता का यह अध्याय विद्याओं का राजा राजविद्या कहलाता है, क्योंकि यह पूर्ववर्ती व्याख्यायित समस्त सिद्धांतों एवं दर्शनों का सार है। भारत के प्रमुख दार्शनिक गौतम, कणाद, कपिल, याज्ञवल्क्य, वैष्णवर हैं। सबसे अंत में व्यासदेव आते हैं, जो वेदांत सूत्र के लेखक हैं। अतः दर्शन या दिव्य ज्ञान के क्षेत्र में किसी प्रकार का अभाव नहीं है। अब भगवान कहते हैं कि वे नवम अध्याय ऐसे समस्त ज्ञान का राजा है। वह वेद अध्ययन से प्राप्त ज्ञान एवं विभिन्न दर्शनों का सार है। यह गुह्यतम, क्योंकि गुह्यम या दिव्य ज्ञान में आत्मा तथा शरीर के शरीर को जाना जाता है। समस्त गुह्यम ज्ञान के इस राजविद्या के पराकाष्ठा भक्ति योग। सामान्य लोगों को इस गुह्यम ज्ञान की शिक्षा नहीं मिलती, उन्हें ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा दी जाती है। जहाँ सामान्य शिक्षा का संबंध है, उसमें राजनीति, समाजशास्त्र, भौतिक, रसायन शास्त्र, गणित, ज्योतिर्विज्ञान, इंजीनियरिंग आदि में मनुष्य व्यस्त रहते हैं। विश्व भर में ज्ञान के अनेक विभाग हैं और अनेक बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं, किंतु दुर्भाग्यवश कोई ऐसा विश्वविद्यालय या शैक्षिक संस्थान नहीं है जहां आत्मविद्या या आत्मा की शिक्षा दी जाती हो। फिर भी आत्मा शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। आत्मा के बिना शरीर महत्वहीन है। तो भी लोग अत्यधिक महत्वपूर्ण आत्मा की चिंता न करके जीवन की शारीरिक आवश्यकताओं को अधिक महत्व प्रदान करते हैं। भगवद गीता में द्वितीय अध्याय से ही आत्मा की महत्वता पर बल दिया गया है। प्रारंभ में भगवान कहते हैं कि यह शरीर नश्वर है और आत्मा अनश्वर। यही ज्ञान का गुह्यम अंश है। केवल यह जान लेना कि वह आत्मा शरीर से भिन्न है, यह निर्विकार, अविनाशी और नित्य है, परंतु इससे आत्मा के विषय में कोई सकारात्मक सूचना प्राप्त नहीं हो पाती है। कभी कभी लोगों को यह भ्रम रहता है कि आत्मा शरीर से भिन्न तो है, पर जब शरीर नहीं रहता या मनुष्य को शरीर से मुक्ति मिल जाती है तो आत्मा शून्य में रहता है और निराकार बन जाता है, किंतु यह वास्तविकता नहीं है। जो आत्मा शरीर के भीतर इतना सक्रिय रहता है, वह शरीर से मुक्त होने के बाद इतना निष्क्रिय कैसे हो सकता है? वह सदैव सक्रिय रहता है। यदि वह शाश्वत और यह शाश्वत रूप से सक्रिय रहता है और वैकुंठ लोक या आध्यात्मिक लोक में इसके कार्यकलाप ही आध्यात्मिक ज्ञान का गुह्यतम अंश है। अतः आत्मा के कार्यों को यहाँ पर समस्त ज्ञान का राजा, समस्त ज्ञान का गुह्यतम अंश कहा गया है। यह ज्ञान समस्त कार्यों का शुद्धतम रूप है। तो ये जो श्लोक है, ये भगवद्गीता के नौवें अध्याय का दूसरा श्लोक है। आपने किसी वक्त को याद है नौवें अध्याय का शीर्षक क्या है? बोलो जी। पहुंचे महीनों में तक दो तीसरा भाग था, तीसरा है हमारा। तो बताइए नौवें तक अभी पहुंचे नहीं है ना। तो नाइन चैप्टर का नाम है मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, परम गुह्य ज्ञान। इसलिए भगवद्गीता के बिल्कुल सेंटर में है। 18 है इन भगवद्गीता में, तो नौवा अध्याय है, क्या है? परम गुह्य ज्ञान, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। तो इसके दूसरे श्लोक में भगवान इस पूरे चैप्टर में जो बताएंगे आगे जाके, उसकी इंपॉर्टेंस का वर्णन करेंगे कि जो मैं विद्या देने जा रहा हूं, विद्या कैसी है? राज विद्या, सभी विद्याओं का
राजा है। तो सभी विद्याओं का राजा भगवान क्यों बता रहे हैं? साधारणतया जो भी हम विद्या ग्रहण करते हैं, जिसको हम विद्या बोलते हैं, बचपन से लेके 25 साल तक हम पढ़ाई करते हैं, है ना, कुछ 35 साल तक भी करते हैं, तो वो सारी विद्या किससे संबंधित होती है? शरीर से संबंधित होती है, है ना, शरीर से या फिर पदार्थ से, इससे ऊपर नहीं होती है। कोई भी आप डिपार्टमेंट उठा लीजिए, सभी किससे संबंधित है? इस शरीर से। उसका उद्देश्य भी एकमात्र ही होता है कैसे शरीर को सही तरीके से पोषण किया जाए, संभाल के रखा जाए, उसको सुंदर बनाया जाए। सारी विद्या सारी क्या है, इसी के इर्द गिर्द होती है। एक बार शिला भोपाल को अमेरिका में MIT यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने के लिए इन्वाइट किया गया था। टेक्नोलॉजी में सबसे नंबर वन यूनिवर्सिटी है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ले जाते हैं भोपाल जी को, अलग अलग डिपार्टमेंट दिखाते हैं, ये हमारा रोबोट बनाने का डिपार्टमेंट है, ये हमारा मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट है, ये सब डिपार्टमेंट है। तो वह कहते हैं कि आपका ऐसा डिपार्टमेंट कहाँ है कि जो ये बताए शरीर और आत्मा में भेद क्या है? क्या कोई ऐसा डिपार्टमेंट है आपके पास? कहते हैं ऐसा कोई डिपार्टमेंट तो है, कोई सोचा ही नहीं कि जीवित व्यक्ति में और मृत व्यक्ति में क्या डिफरेंस है जो इस चीज को बताए, है ना। अब देखा जाए जो सोल है, आत्मा है, हमारे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण है ना। एक बार आत्मा इस शरीर को छोड़ के चली गई, शरीर क्या है? मिथ्या, सिर्फ मैटर है कि नहीं? जिस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, आप कुछ भी करो, चूटी काटो, उसका हाथ काट दो, उसको कुछ भी बोलिए, कोई प्रतिक्रिया नहीं करे, खुद उठ के भी भाग नहीं सकता, आग भी लग जाए उस जगह पर उठ के भाग नहीं सकता, क्योंकि अब वो क्या है? केवल मैटर है, अर्थ वाटर फायर एयर एंड ईथर। उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व था आत्मा, वो क्या उसमें से निकल गया, चली गई, उसके बिना वो बेकार है ना। तो इसलिए हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आत्मा जो हम है वो महत्वपूर्ण है। शरीर भी महत्वपूर्ण है, पर उस हद तक है ताकि आत्मा चलती है, पर सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आत्मा। पर उस आत्मा को समझने के लिए हमारे पास कोई ज्ञान ही नहीं है, कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है, कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है कि जो हमें उस आत्मा के बारे में बताती है, उस आत्मा के गुण क्या है, उस आत्मा की जरूरत क्या है, क्या नीड है उसकी। जैसे एक सुंदर सी इसमें कथा सुनाते हैं कि एक स्त्री थी, वो मार्केट में जाती है तो एक पैरट खरीद के लाती है, है ना, किसी घर में है कोई पक्षी पिंजरे में? तो स्त्री जाती है घर में, तोता खरीद के लाती है, तो रोज सुबह उठती थी और तोते को जो पिंजरा था उसको गोल्डन गोल्डन पॉलिश करती थी। क्या करती थी? गोल्डन पॉलिश करती थी हर रोज सुबह उठ के, और तोते को कुछ खाने को नहीं देती थी। तो एक हफ्ते बाद तोता मर गया, तो उठाती है दुकान के पास, दुकानदार के पास चली जाती, तोता एक हफ्ते में मर गया, इसकी तो वैलिडिटी ज्यादा थी, एक हफ्ते में कैसे मर गया, इतना महंगा तोता मैंने खरीदा। तो वो पूछते हैं कि आप इसको क्या खिलाते हैं? मैं सुबह उठती थी रोज इस पिंजरे को मैं गोल्डन पॉलिश करती थी। बहुत अच्छी बात है, गोल्डन पॉलिश करते, तोते को क्या देते थे? तोते को क्यों देना है, जरा सुंदर लगना चाहिए, इसलिए गोल्डन पॉलिश करती, समझे बात को? तो क्या, इससे तोता आपका मर गया। इसी प्रकार से हम हैं, हम क्या है? आत्मा है, इस शरीर के अंदर रहते हैं। तो सुबह उठते हैं हम, सुबह से लेकर रात तक क्या करते हैं? गोल्डन पॉलिश करते हैं, नहलाते हैं, धुलाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, इस शरीर के लिए कार्य करने जाते हैं, इस शरीर से संबंधित वस्तुओं और व्यक्तियों की सेवा करते हैं, है ना। जो हम असलियत में हैं तोते की तरह, जिसको खाना देना चाहिए उसको हम कोई खाना नहीं देते, नहीं देते। इसलिए हम सब क्या है, एक तरह से उस तोते की तरह मर चुके हैं। हम तो चलो भक्ति में छूट गए, मैं साधारण जनरल लोग की बात कर रहा हूँ, है ना। तो उसी तरह की हालत है जैसे मरा हुआ होता है। इसीलिए अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं, डिप्रेशन है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं,
अलग अलग प्रकार की समस्याएं हैं जीवन के अंदर, लड़ाई झगड़े हैं। कारण क्या है? उसको खुराक नहीं मिल रही। हम जो आनंद हमें चाहिए, आत्मा क्या है? आनंद में अभ्यासा, ये आत्मा की नींद है, आनंद में रहना, ये हमारी असली पहचान है ना। पर हम आनंद कहां ढूंढ रहे हैं? गलत जगह पे ढूंढ रहे हैं। जहां पे ढूंढना चाहिए जिस तरीके से आनंद की प्राप्ति हो सकती है उसको छोड़ के गलत चीजों में, गलत व्यक्तियों में, गलत जगह पे क्या कर रहे हैं? हम आनंद की खोज कर रहे हैं। कोई व्यक्ति रेगिस्तान में चला जाए और पानी ढूंढे, मिलेगा पानी? नहीं मिलेगा। कोई लोहार की दुकान पे चला जाए, उससे बोले मुझे सोना दो, नहीं मिलेगा। सोने की दुकान पे जाए, सोना मिल जाएगा। तो आत्मा क्या है? आध्यात्मिक है। तो उसको आनंद प्रदान करने की जो विधि है वो भी क्या होनी चाहिए? आध्यात्मिक होनी चाहिए। उसी से उसको आनंद की प्राप्ति हो सकती है ना। अगर हम आत्मा की जरूरत को पूरा नहीं करते हैं तो फिर क्या होता है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सब हावी हो जाते हैं। फिर वो अलग अलग प्रकार के तरीके से निकल के बाहर आते हैं। आजकल आप देखिए कि जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, हॉस्पिटल्स की संख्या बढ़ती जा रही है। इसका मतलब क्या समाज तरक्की कर रहा है? पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, अलग अलग हॉस्पिटल बढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं? एक साइकोलॉजिस्ट दूसरे साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है अपना उपचार करवाने के। पहले कौन से साइकोलॉजिस्ट होते थे? 100-150 साल पीछे चले जाइए आप, उस टाइम के लोग भगवान से प्रकृति से जुड़ के रहते थे। आज दूर जाते जा रहे हैं, इसलिए इन चीजों की आवश्यकता पड़ती है ना। तो ये बहुत अच्छी स्टोरी है तोते और पिंजरे वाली, इसको हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि असली आवश्यकता क्या है? तोते को मिर्ची खिलाना ना। तो हम आत्मा है, असली जरूरत हमारी क्या है? आध्यात्मिक खुराक। आध्यात्मिक खुराक क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये आध्यात्मिक खुराक है, इससे हमारा संपर्क भगवान के साथ होता है। ये आध्यात्मिक शब्द ध्वनि, हमने भी चर्चा किया ना कि जो जानवर है वो भी इसको सुन के डांस करते हैं ना, तो हम क्यों नहीं डांस करेंगे? हम भी करते हैं। स्वात्मा है, वास्तविकता में हमारा भगवान से संबंध है ना। तो ये जो असली विद्या है ये इस जगत में मिसिंग है। हर प्रकार का डिपार्टमेंट आपको मिल जाएगा पर इस विद्या का डिपार्टमेंट नहीं मिलता है। इसलिए वो कहते थे कि हमने इस इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस इसकी शुरुआत की है ताकि लोगों को ये जो बहुमूल्य ज्ञान है वो प्राप्त हो सके। तो इसका हमने वर्णन किया कि इसलिए भगवान कहते हैं राज विद्या, सभी विद्याओं का ये राजा है। जिसको ये विद्या प्राप्त हो जाती है तो बाकी और किसी विद्या को प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रहती। प्राप्त करने तो अच्छी बात है, हम इस जगत में भी समृद्ध हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, वो भी करना चाहिए, पर आवश्यकता नहीं। और ये आपको आध्यात्मिक विद्या आपको प्राप्त होगी, सफिशियंट है आपकी। जैसे हमारे मायापुर में गुरुकुल है तो वहाँ पे जो बच्चे पढ़ते हैं उनको बचपन से ही यही विद्या दी जाती है। उनको मैथमेटिक्स भी सिखाया जाता है तो वैदिक मैथमेटिक्स सिखाया जाता है। तो अपना गुरुकुल में वो अपनी एजुकेशन पूरी करने के बाद भी बहुत अच्छे से जाके बाहर की दुनिया में अपने आप को प्रोग्रेस करते हैं। बहुत से ऐसे अच्छे अच्छे उदाहरण। तो इस तरह से यहाँ पे भगवान इसका आगे बढ़े। तो एक एक शब्द के ऊपर रूपाजी ने एक एक पैराग्राफ दिया है इस तात्पर्य के अंदर। तो पूरा तात्पर्य नहीं है, उस तात्पर्य का कुछ पोर्शन यहाँ पे ऐसे के रूप में दिया गया। तो रगड़ा शब्द है वो पवित्रम शब्द के ऊपर रूपाजी बता रहे हैं। यह ज्ञान समस्त कार्यों का शुद्धतम रूप है जैसा कि वैदिक साहित्य में बताया गया है। पद्म पुराण में मनुष्य को पाप कर्मों का विश्लेषण किया गया, मनुष्य के पाप कर्मों का विश्लेषण किया गया और दिखाया गया है कि ये पापों के फल हैं। जो लोग सकाम कर्मों में लगे रहते हैं
वे पाप पूर्ण कर्मों के विभिन्न रूपों और अवस्थाओं में फंसे रहते हैं। उदाहरणार्थ जब बीज बोया जाता है तो तुरंत वृक्ष नहीं तैयार हो जाता, उसमें कुछ समय लगता है। पहले एक छोटा सा अंकुर रहता है, फिर यह वृक्ष का रूप धारण करता है, तब उसमें फूल आते हैं, फल लगते हैं और तब बीज बोने वाले व्यक्ति फल फूल का उपभोग कर सकते हैं। इस प्रकार जब कोई मनुष्य पाप कर्म करता है तो बीज की ही भांति उसके भी फल मिलने में समय लगता है। इसमें भी कई अवस्थाएं होती हैं। भले ही व्यक्ति में पाप कर्मों का उदय होना बंद हो चुका हो, किंतु किए गए पाप कर्म का फल तब भी मिलता रहता है। कुछ पाप तब भी बीज रूप में बचे रहते हैं, कुछ फलीभूत हो चुके होते हैं जिन्हें हम दुख और वेदना के रूप में अनुभव करते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, जो हम पाप कर्म करते हैं उनके नतीजे किस प्रकार से फलीभूत होते हैं। कई बार लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि मैं तो बुरे कार्य करता नहीं, फिर भी मेरे साथ बुरा क्यों होता है, और वो व्यक्ति है इतना बुरा कार्य कर रहा है उसका अच्छा ही बुरा है, तो इससे अच्छा मैं ही बुरे कार्य कर लूं, है ना। इंग्लिश में बोलते हैं Why good things happen to bad people? Why bad things happen to good people? तो उसके वजह सिद्धांत क्या है वो यहाँ पे बताया गया है कि जैसे हम मिट्टी में कोई बीज बोते हैं तो उसका पौधा निकलने में और पेड़ बनने में क्या लगता है, समय लगता है। आपने बीज बो के रख दिया, उसके मिट्टी डाल दी, उस समय तक तो आपको लगेगा कि कुछ हो ही नहीं रहा है, पता नहीं बीज से पौधा आएगा भी कि नहीं, है ना। फिर कुछ समय बाद थोड़ा सा छोटा सा पौधा दिखता है, फिर कुछ समय बाद उसका और टहनी बनती है, फिर आगे जाके बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है। इसी प्रकार से अगर कोई बुरा कार्य करता है, पाप कार्य करता है, हो सकता है कि तुरंत उसको उसका नतीजा प्राप्त ना हो, पता ही ना लगे कि इसको कुछ नतीजा मिल भी रहा है कि नहीं, पर धीरे धीरे क्या होता है वो बीज अंकुरित होना शुरू होता है। वो इस जन्म में भी हो सकता है, अगले जन्म में भी हो सकता है। फिर धीरे धीरे पहले क्या होता है, छोटा सा पौधा निकल के पैदा होता है, थोड़ा सा कुछ दुख आपके जीवन में आएगा, छोटी सी कोई बीमारी आपको डिटेक्ट होगी, कुछ भी छोटा सा है, फिर आगे जाके वो बड़ा बड़ा पौधा होता है, दुख थोड़े बढ़ जाते हैं, फिर बाद में क्या बन जाता है, पेड़ बन जाता है, फिर वो पूरा जो आपके पाप कर्मों का नतीजा है पूरी तरह से मैनिफेस्ट होके बाहर होता है। तो हो सकता है कोई व्यक्ति जन्म में दुख भोग रहा है, तो दुखों का जो बीज है हो सकता है उसने इस जन्म में बोया हो या फिर पिछले जन्म में बोया हो जिसको भूल चुका है, है ना। पर अल्टीमेटली जो दुख उसको प्राप्त हो रहा है उसके द्वारा किए गए कर्मों का ही फल उसको प्राप्त हो रहा है। ऐसे किसी को अच्छा चीज प्राप्त हो रही है तो वो भी उसके द्वारा कुछ पुण्य कर्म हुआ है या इस जन्म में या पिछले जन्म में, इसलिए उसको अच्छा फल उसमें प्राप्त हो रहा है, समझ। तो ये पाप और पुण्य का चक्कर है। तो इस पाप और पुण्य के चक्कर से छुटकारा कैसे प्राप्त करें, अगर आपने पाप किया उस पाप को भोगने के लिए भी आपको शरीर चाहिए, है ना। जब शरीर लेंगे तो क्या मिलेगा फ्री में, जन्म मृत्यु बुढ़ापा और बीमारी, ये साथ शरीर के साथ ही मिलते हैं, और साथ में तीन टोकन मिलते हैं, आदि भौतिक क्लेश, आध्यात्मिक क्लेश और आदि दैहिक। तो चाहे आप पाप करें चाहे आप पुण्य करें, पुण्य करेंगे तभी भी शरीर लेना पड़ेगा उस पुण्य को भोगने के लिए। इन दोनों पाप और पुण्य में आपको क्या प्राप्त होता है, शरीर प्राप्त होता है। इसे कहते हैं जो शरीर है ये पाप और पुण्य का फल है ना। इसे सबका शरीर अलग अलग होता है, सबके पाप और पुण्य की मात्रा अलग अलग है, इसे सबका चेहरा अलग अलग होता है, फेस इज एन इंडेक्स ऑफ माइंड, है ना। तो इस प्रकार से ये चक्कर चलता है। इससे छुटकारा कैसे प्राप्त हो वो अगले पैराग्राफ में बता रहे हैं। जैसा कि सातवें अध्याय के 28वें श्लोक में बताए गए हैं, जो व्यक्ति समस्त पाप कर्मों के फलों
का अंत करके भौतिक जगत के बंधों से मुक्त हो जाता है, वह भगवान कृष्ण की भक्ति में लग जाता है। दूसरे शब्दों में जो लोग भगत भक्ति में लगे हुए हैं वे समस्त कर्म फलों से पहले से मुक्त हुए रहते हैं। इस कथन की पुष्टि पद्म पुराण में हुई है। प्रारब्ध फलम पापम पूतम बीजम फलो उन्मुखम क्रमेण एव प्रलियत विष्णु भक्तिर आत्मनम अपनाम। जो लोग भगवत भक्ति में रत हैं उनके सारे पाप कर्म चाहे फलीभूत हो चुके हो, सामान्य हो या बीज रूप में हो, क्रम से नष्ट हो जाते हैं। अतः भक्ति की शुद्धिकरणी शक्ति अत्यंत प्रबल है और यह पवित्रम उत्तमम अर्थात विशुद्धतम कहलाती है। उत्तम का तात्पर्य दिव्य है, तमस का अर्थ यह भौतिक जगत या अंधकार है और उत्तम का अर्थ भौतिक कार्यों से परे अर्थात दिव्य हुआ है। भक्ति में कार्यों क्या बता रहे हैं, अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमे एक प्रलीयता विष्णु भक्ति रतात्मना। तो ये पाप कर्म के फलीभूत होने की तीन अवस्थाएं होती हैं, कूट बीज और प्रारब्ध। कूट का मतलब होता है कि आपने पाप किया उसका एक इंप्रेशन आपके माइंड में छप गया है, फिर बाद में वो एक बीज का रूप लेता है, उसके बाद में फलीभूत होता है ना? कोई व्यक्ति होते हैं उनके अंदर स्वाभाविक रूप से पाप करने की प्रवृत्ति होती है, नेचुरली उनका जो मन होता है गलत चीजों पे जाता है। कोई उनके साथ बुरा ना भी करे पर उनकी हर किसी का बुरा करने की इच्छा होती है ना? तो ये किसका नतीजा है, ये भी पाप करने का ही नतीजा है। जब हम पाप करते हैं तो उससे हमारी मानसिकता बनती है और पाप करने की, इसको बोलते हैं कूट और बीज, सिंफुल प्रोक्लिविटी इंग्लिश में वर्ड यूज किया जाता है, टेंडेंसी बनती है पाप कमिट करने की। तो यहाँ पे श्लोक क्यों बताया गया है, विष्णु भक्ति रतात्मना, कि जब कोई भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगता है तो उसके पाप कर्म किसी अवस्था में हो, चाहे बीज के रूप में हो, चाहे कूट के रूप में हो, चाहे वो प्रारब्ध के रूप में हो, तीनों अवस्थाओं में सारे पाप कर्म जड़ से नष्ट हो जाते हैं। कोई व्यक्ति बोले कि मेरा तो बहुत पाप करने की प्रवृत्ति है, बहुत पाप मैं कर चुका हूं, अभी भी पाप करने की इच्छा होती है, अभी भी जीवन में बहुत से कष्ट आ रहे हैं, है ना, तभी क्या करना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, है ना। केवल भक्ति करने से ही सारे पाप किसी अवस्था में हो जड़ से नष्ट हो जाते हैं। जब जैसे जंगल में आग लगती है ना, तो बड़े बड़े पेड़ भी नष्ट हो जाते हैं, छोटे छोटे पौधे भी नष्ट हो जाते हैं, और उनकी जो जड़ें हैं वो भी क्या हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। इसलिए जो किसान है हार्वेस्टिंग करने को आग लगाते हैं ना, ताकि जो जड़ें हैं वहां तक आग जाके उनको खत्म कर। तो भक्ति उस अग्नि के समान है, उस अग्नि के अंदर जितने ही पाप कर्म हमने पिछले जन्म में किए हैं उनके रिएक्शन हैं, किसी अवस्था में सारे जड़ से नष्ट हो जाते हैं। इसे इसको बोला गया है पवित्रम। पवित्र मतलब हमारा जीवन पूरी तरह से पवित्र हो जाता है। जितने भी हमारे मन के गलत थॉट्स आते हैं, पाप करने की प्रवृत्ति है, जितने भी समस्याएं हैं पिछले पाप कर्मों के कारण, वो सब क्या हो जाती हैं, मूलतः नष्ट हो जाती हैं केवल भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को स्वीकार करने से। इसलिए जो ज्ञान है भगवान क्या है, जो मैं आपको बता रहा हूँ ये ज्ञान क्या है, परम पवित्र ज्ञान है। और इस ज्ञान को अगर अपने जीवन में आप अपनाएंगे तो आपका जीवन परम पवित्र हो सकता है। भक्ति में कार्य को कभी भी भौतिक नहीं मानना चाहिए, यद्यपि कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि भक्ति भी सामान्य जनों की भांति रत रहते हैं। जो व्यक्ति भक्ति से अवगत होता है वही जान सकता है कि भक्ति में कार्य भौतिक नहीं होते हैं, वे आध्यात्मिक होते हैं और प्रकृति के गुणों से सर्वथा अदूषित होते हैं। कहा जाता है कि भक्ति में कार्य करने की क्रिया इतनी आदर्श होती है कि उसके फलों का प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है। वास्तव में इन फलों का प्रत्यक्ष अनुभव किया जाता है और हमने अनुभव किया है कि जो व्यक्ति कृष्ण के
पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करता है उसे अपराध रहित जप करते समय कुछ दिव्य आनंद का अनुभव होता है और जो तुरंत ही समस्त भौतिक कर्म से शुद्ध हो जाता है ऐसा सचमुच दिखाई पड़ता है। इसके अलावा यदि कोई श्रवण करने में ही नहीं अपितु भक्ति कार्यों के संदेश को प्रसारित करने में भी लगता है या कृष्ण भावनामृत के प्रचार कार्यों में सहायता करता है तो उसे क्रम से अध्यात्म उन्नति का अनुभव होता रहता है। आध्यात्मिक जीवन की यह प्रगति किसी पूर्व शिक्षा या योग्यता पर निर्भर नहीं करती। यह विधि श्रम इतनी शुद्ध है कि इसमें लगे रहने से मनुष्य शुद्ध बन जाता है। तो यहाँ पे गोपाल जी दो शब्दों के ऊपर वर्णन कर रहे हैं, पहला है उत्तम और दूसरा है तमस। प्रत्यक्ष आगमन बोलते हैं उत्तम 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 अति उत्तम शब्द सुना होंगे, तो उसका मतलब क्या है कि जो तमस के ऊपर है, तमो तमो तमस बोलते हैं डार्कनेस को, और उत्तम मतलब कि जो अंधकार से ऊपर है। तो भक्ति है हमें इस अंधकार से ऊपर लेके जाती है, इसको बोला गया उत्तम पवित्र इदम उत्तम। नेक्स्ट वर्ड है लास्ट पैराग्राफ में वो बता रहे हैं, वो है प्रत्यक्ष आगमो धर्म्यम। कि भक्ति के जो नतीजे हैं उसको हम खुद ही अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं कोई दूसरा व्यक्ति आके आपको सर्टिफिकेट देगा कि आप भक्त बन चुके हैं। तो श्रीमद् भागवत में एग्जांपल दी गई है कि जब कोई भूखा व्यक्ति है भोजन ग्रहण करता है, है ना, तो उसका पेट भर गया है कि नहीं वो कौन बता सकता है? स्वयं बता सकता है उसका पेट भरा कि नहीं, है ना। और जब कोई भूखा व्यक्ति भोजन ग्रहण करता है उसको तीन चीजें प्राप्त होती हैं, पहला उसकी भूख खत्म होती है, दूसरा उसको संतुष्टि होती है, और तीसरा उसको आनंद की प्राप्ति होती है, ना। तुष्टि पुष्टि शुद्ध पायन, तुष्ट होता है पुष्ट होता है उसकी बॉडी स्ट्रांग बनती है, और तीसरा शुद्ध पायना उसकी भूख खत्म होती है, ना। इसी प्रकार से हम भक्ति करते हैं श्रद्धा रतिर भक्ति अनुकविष्य, भगवान श्री कृष्ण भक्ति में लगते हैं, तो ये तीन चीजें हमें क्रमशः प्राप्त होती है। पहले श्रद्धा प्राप्त होती है शास्त्रों में श्रद्धा भगवान में श्रद्धा, फिर रति अटैचमेंट प्राप्त होती है भगवान के प्रति भगवान के भक्तों के प्रति, और फिर भक्ति की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से जब हम भक्ति करते हैं तो उसके रिजल्ट है हम डायरेक्टली अपने जीवन के अंदर उनको अनुभव कर सकते हैं। वो यहाँ पे बता भी रहे हैं कि ये हमारा व्यक्तिगत अनुभव है कि जो व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है बिना अपराधों के तो उसको अपने अंदर एक दिव्य आनंद की अनुभूति होती है, और बहुत जल्दी वो भौतिक जगत के कर्म से अपना उद्धार कर पाता है, है ना। इसका उदाहरण कौन है? खास करके जो हिप्पी लोग हैं तो वाजी का उदाहरण दे, जो डिग्रेडेड सोसाइटी में थे, है ना। तो जैसे ही उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करना शुरू किया तो उसमें उनको इतने आनंद की अनुभूति हुई कि जितने भी गलत आदतें थी उन्होंने सबको छोड़ के एक पवित्र जीवन को अपनाया, और अभी भी अपना रहे हैं, है ना। कल हमारे मंदिर में एक प्रवक्ता आए थे वर्षन जाए थे, तो ऑकलैंड मंदिर से आए थे न्यूजीलैंड से, तो बड़ा अच्छा वो प्रवचन बता रहे थे कि कैसे न्यूजीलैंड की कैसी हालत है, इंडिया से बाहर जितने फॉरेन देश हैं उनके कल्चर की क्या हालत है। तो कहते हमारे एक भक्त थे, वो उन्होंने शादी की थी, शादी रजिस्टर कराने के जाते हैं ना कोर्ट में, तो कहते वहाँ पे चौकीदार को उसने बताया कि मैंने शादी करनी है, तो जो रोज हंसना शुरू कर दिया, कहते आज को कोई शादी नहीं करता है न्यूजीलैंड में, सब सिंगल रहते हैं, तो आप कहाँ से शादी करने वाले आ गए, ऐसा समाज है। वहां भी भक्त रहते हैं, वहां भी प्रचार करते हैं, और वहां पे भी क्या है भक्त बन रहे हैं। चाइना जैसा देश है, चाइना में वो हर चीज खाते हैं उड़ती हुई एरोप्लेन को छोड़ के, ऐसा एनेक्डोट दी जाती है, हर चलती हुई चीज खाते हैं गाड़ी को छोड़ के, हर तैरती हुई चीज खाते हैं जहाज को छोड़ के, ऐसा समझ। और वहां पे जो चाइनीज गवर्नमेंट है कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है उन्होंने इसको श्रीमद् भागवतम को स्वयं चाइनीज लैंग्वेज में प्रिंट करवाया था, फरवरी मार्च में मायापुर
मेला कीर्तन मेला होता है, परिक्रमा होती है, तो वहाँ पे चाइनीज चाइना से भी काफी ड्यूटीज आते हैं। हालांकि मंदिर बनाना अलाउड नहीं है, ड्यूटीज घरों में ही रहते हैं, घर में ही रह के घरों में क्लासेस होती है, इस प्रकार से वहाँ पे बहुत अच्छा प्रचार चाइना में भी चल रहा है ना। तो ऐसी ऐसी जगहें हैं, ऐसे ऐसे देश हैं, पर वहां पे भी अगर कोई भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को स्वीकार करता है तो वो अपने पवित्र जीवन की शुरुआत कर सकता है और भगवान की भक्ति में आगे बढ़ सकता है। और अपन भक्तों से अगर बात करके देखिए, आपको पता लगेगा कितने उन्नत है। कई बार तो हमें लगता है कि हम उनके सामने क्या कर रहे हैं, इतनी कठिन जगहों पे इतने कष्ट सहन करते हुए भगवान का प्रचार करते हैं। कई बार पुलिस पकड़ के ले जाती है, जेल में डाल दिया जाता है ना, फिर भी वो प्रचार करना छोड़ते हैं। बहुत से ऐसे अनुभव हैं भक्तों के। इसलिए बाबा कहते हैं, दिस एडवांसमेंट इन स्पिरिचुअल लाइफ डज नॉट डिपेंड ऑन एनी काइंड ऑफ प्रीवियस क्वालिफिकेशन और एजुकेशन। पिछला जीवन आपका कैसा था, कैसे आपने भौतिक ज्ञान प्राप्त किया है, कैसे कैसे आपने कार्य किए हैं, उस पर डिपेंड नहीं करता है कि आप भक्ति कर सकते हैं। भक्ति करना केवल आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। अगर आपकी इच्छा है, पुराना जीवन आप कैसे आपका कैसा भी हो, अगर आपकी इच्छा है तो आप भक्ति को स्वीकार कर सकते हैं। जैसा कि नारद मुनि ने किनको बोला था, रत्नाकर डाकू, तो कहते कि आप राम बोलो, राम ना निकला। कहते कि मैंने आदि उन्होंने मारा ही है तो मेरे मुंह से मरा निकलता है, पर राम ही निकलता है। तो राम ने ठीक है आप क्या करो, मरा मरा बोलिए। तो दो सिले बना राम और मां, तो राम बन जाता है। तो राम शब्द का उच्चारण करते हैं, करते करते इतने शुद्ध हो जाते हैं, बताया जाता है कि पूरे समाधि में चले जाते हैं। मारना तो कभी छोड़ देते नारद मुनि से मिलने के बाद, और इतने समाधि में चले जाते कि चींटियां उनके ऊपर अपना घर बना लेती हैं। तो उस घर को बोलते हैं वाल्मीकि, जो चींटियां देखो ना जंगल के अंदर देखो तो घर सा बना देती है। तो नारद मुनि दोबारा उस रास्ते जाते हैं, देखते हैं कि चींटियों घर के अंदर से राम शब्द की आवाज आ रही है। फिर अपना मंटू से पानी वगैरह छिड़कते हैं, तो वहां से वो रत्नाकर डाकू निकलते हैं। तो क्योंकि वाल्मीकि से बाहर निकलने उनका नाम पड़ जाता है वाल्मीकि, फिर आगे जाके वही वाल्मीकि मुनि रामायण की रचना करते हैं। तो देखिए पिछला जन्म कैसा था, पर नारद मुनि के आदेशों का पालन किया, भक्ति के प्रोसेस को फॉलो किया, तो परम पवित्र बन जाते, इतने पवित्र बन जाते हैं कि भगवान की लीला को लिखने के योग्य बन जाते हैं। तो भक्ति के अंदर इतनी पावर है, इतनी शक्ति है, पहले कुछ भी क्यों ना किया हो, पर अगर अभी हम संकल्प ले लेते हैं कि आज से मैं क्या करूंगा, भक्ति करूंगा, तो पुराना सारा खाता भगवान शून्य कर देंगे, पॉजिटिव हो या नेगेटिव, तो क्या कर देंगे, जीरो, शून्य। फिर नए जीवन की शुरुआत आपकी वहां से हो सकती है। द मेथड इटसेल्फ इज सो प्योर दैट बाय सिंपली एंगेजिंग इन इट वन बिकम्स प्योर, कि विधि इतनी शुद्ध है, केवल उस विधि में पार्टिसिपेट करने से आप भी क्या बन जाते हैं, शुद्ध बन जाते हैं। जैसे लोहे को जब आग के अंदर रखा जाता है तो उस समय बाद लोहे में और आग में कोई अंतर नहीं रहता है। रेड रॉड आयरन होता है ना, तो उस आयरन रॉड को आप कहीं पे भी टच करेंगे वहां पे आग लग जाएगी। तो लोहा किसका कार्य करता है, आग का कार्य करता है, क्योंकि आग के अंदर रहता है। इसी प्रकार से अगर हम आध्यात्मिक विधि में रहते हैं, भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, तो हमारा जीवन भी क्या हो जाता है, पूरी तरह से आध्यात्मिक हो जाता है। हमारा शरीर भी क्या हो जाता है, आध्यात्मिक। जो शुद्ध वैष्णव होते हैं उनके शरीर को जलाया नहीं जाता है, कुछ समाती नहीं जाती है, क्योंकि शरीर भी क्या हो गया है, आध्यात्मिक हो चुका है, वो भौतिक नहीं है। ठीक है, तो ये हमारी आज की चर्चा थी। पहले मैं चर्चा किया हरिनाम की शक्ति के ऊपर, कैसे भगवान ने जानवरों को हरिनाम लेके नचाया। फिर हमने चर्चा किया कैसे जो गुरु का सबसे प्रमुख आदेश है कि भक्ति का प्रचार करना, जो शिष्य होता है अपने गुरु के आदेश का पालन करता है। फिर हमने चर्चा किया कैसे भगवान जो नौवें ध्यान में ज्ञान प्रदान करते हैं, सभी ज्ञानों का राजा है, कैसे पवित्र ज्ञान है, कैसे उत्तम ज्ञान है, और कैसे इसको करने से प्रत्यक्ष रूप से आध्यात्मिक उन्नति की अनुभूति हो सकती है। तो अगर अभी आपका कुछ डाउट है, कुछ संदेह है,
कुछ आप चर्चा करना चाहते हैं तो आप। रोजी जैसे हमने ये पीछे वाला पढ़ा था इसके इसमें और ये जो नामामृत है इसमें तो कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो नामामृत क्यों होता है और क्या कारण है इसमें? जैसे ये तो पूरे का पूरा वो उसके ऊपर था कि जो द्वापर और ये युग के बारे में, और ये अलग ही कहानी है। तो एक मॉड्यूल में तीन सेक्शन होते हैं। अच्छा, पहला सेक्शन होता है जिसको बोलते हैं स्पिरिचुअल एडिफिकेशन, स्पिरिचुअल एडिफिकेशन आध्यात्मिक उन्नति, तो उसमें आध्यात्मिक ज्ञान का वर्णन किया जाता है, तो एक भगवद्गीता के पैसेज इसमें दिखाया जाता है। सेकेंड होता है नाम अमृत, उसमें नाम की महिमा का वर्णन किया जाता है। तीसरा होता है प्रचार, तीसरा प्रचार, प्रचार ही सार है ना। तो ये एक तरह से मॉड्यूल बनाए गए हैं कि एक क्लास के अंदर हम तीनों पहलुओं को थोड़ा सा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो, ज्यादा हमारी डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, थोड़ा सा आध्यात्मिक ज्ञान, थोड़ा सा नाम की महिमा का वर्णन पता लगे ताकि हम माला का जप करते हैं उसको अच्छे से कर सकें, थोड़ा सा हमें प्रचार के बारे में पता लगे ताकि हम प्रचार के जो मिशनरी है उसमें पार्टिसिपेट कर सकें। तो इन तीनों चीज़ों को मिला के एक मॉड्यूल बनाया गया है, और ऐसे एक बुक के अंदर आठ मॉड्यूल होते हैं। चौथी किताब तक ध्यान ही ना लगे बात पर, क्योंकि टोटल 64 मॉड्यूल हैं, 64 मॉड्यूल्स को ही भक्ति रिक्षा होता है। ठीक है, समझ आया ना आपने बताया, मैं देख रहा था मगर इसका और इसका तो कोई कनेक्शन ही नहीं है। तुम्हारे महाराज हैं मायापुर में जो ने जयदत्ता सिंह महाराज, तो उन्होंने इस प्रकार से सिस्टम बनाया था मिडिल ईस्ट में प्रीचिंग करने के लिए कि भारत में तो मंदिर होते हैं, तो डीटीज के दर्शन करने आते हैं, इस तरह से प्रचार होता है, सब भक्त में जुड़ भी जाते हैं, देखा देखी माला शुरू कर देते हैं, पर बाहर ऐसा नहीं होता है, मंदिर आप बना नहीं सकते। तो वहाँ पे क्या होता है, किसी एक घर के अंदर कुछ लोग इकट्ठे होते हैं, तो वहाँ भी इन मॉड्यूल्स को डिस्कस करके इस प्रकार से इसको, मतलब बाहर भी ऐसे ही सिस्टम से चलता है कि पहले ऐसे पहले ऐसे, बाहर क्लासेस मंदिर के अंदर नहीं होती, घरों के अंदर होती, जाई बात भी हमारे घरों में होती, गृहस्थ भी चीज को बोलते। अच्छा, एक आउट ऑफ सिलेबस सवाल है प्रभु जी, साक्षी गोपाल जी वाली लीला कब की है प्रभु जी? साक्षी गोपाल जी की लीला चैतन्य महाप्रभु से पहले की है, कोई वही सुनाते हैं। अच्छा, चैतन्य महाप्रभु से पहले की, लगभग कितनी पहले की? इतना मुझे आइडिया नहीं, मतलब कलयुग की है, कलयुग की है, साउथ इंडियन ब्राह्मण थे ना दोनों। हाँ हाँ हाँ, कलयुग की है, चैतन्य महाप्रभु जी भी कलयुग में, तो उनसे थोड़ी बहुत पहले ही रही होगी। हाँ, तभी तो डीडी से वहाँ पे साक्षी गोपाल जी नित्यानंद प्रभु भगवान को ये सुनाते हैं। जगन्नाथ मंदिर में आ गए ना साक्षी गोपाल। अभी जैसे प्रभु जी ताजा कुछ टाइम पहले हमने अपने जीवन काल में सुना कि गणेश जी ने दूध पिया, तो वो बात हमें उस टाइम हजम नहीं हुई, पर अभी रिसेंटली मैंने किसी मिलने वाले के मुंह से सुना कि उसके जो वो गुरु जी के उसके वो हैं उसके पास, कहते हैं वो दूध पी लेते हैं, गुरु जी दूध पी लेते हैं, समझाने गुरु जी दूध पीते हैं। हाँ हाँ, वो नहीं नहीं विग्रह दूध, विग्रह दूध, विग्रह दूध, पता नहीं पी सकते हैं। फिर आज के लिए और एक नए गुरु जी चल रहे हैं जो छतरपुर वाले, वो करते हैं, कहीं शायद की वर्षा कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, ये तो सुना होगा आपने रिसेंटली है माता जी? नहीं नहीं नहीं, बागेश्वर जो भी है, नाम लेने की आवश्यकता नहीं, नाम मुझे पता भी नहीं, नाम ध्यान नहीं है मुझे, है ना। ये कलयुग की लीला ही है ना, वो तो गए, शरीर छोड़ दिया उन्होंने, और उनके फोटो से शायद की बारिश हो रही है। तो जो भी है, आज के समय में भी कुछ ऐसे योगीज होते हैं जिनके पास कुछ शक्तियाँ होती हैं, मिस्टिक योगी उनको बोलते हैं,
जो कुछ कुछ पावर्स होती हैं, तो उन पावर से कुछ चमत्कार कर सकते हैं, पर एक होगा कहते हैं ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं, जैसे जादूगर होता है कुछ हेरा फेरी करके हमें जादू दिखाता है, ऐसे कुछ योगी होते हैं, कुछ तांत्रिक होते हैं जो कुछ सटल पावर्स को यूज करके ये सब चीजें कर सकते हैं, ऐसा होता है, पर इसमें कुछ ज्यादा आध्यात्मिक नहीं होता है। हमारी वाली लाइन तो उससे अलग ही है ना माता जी, आप चमत्कारों से अलग लाइन अपनी था। पर मतलब जैसे साक्षी गोपाल जी की हुई कि वो चले गए, ऐसे इसका मतलब अब भी होती है। साक्षी गोपाल जी तो स्वयं भगवान है, ऐसी लीला तो अभी भी होती है। तो ऐसी कोई रिसेंट लीला प्रभु जी जो हमारे जीवन काल में होती है? नहीं, नहीं, नहीं। जगन्नाथ जी की बहुत सी लीलाएं बुक लेके पढ़ सकते हैं, वो अभी भी होती है। जगन्नाथ जी के बारे में सुना है? वही परसों हमारे मंदिर में प्रोपारी शिष्य हैं नरसिंह का वसु, तो इस्कॉन डीटी मिनिस्ट्री के हेड है, डीटी मिनिस्टर है, तो उनकी क्लास चल रही थी, ऐसे किसी वक्त ने पूछा था कि कोई विग्रह की लीला सुनाई है, तो कहते हैं ऐसी तो बहुत सी लीलाएं हैं, तो एक आधी मैं आपको बताता हूँ। तो कहते हैं एक बार आई थिंक लंदन की बता रहे थे जगह आपको क्या, तो वहाँ पे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी के विग्रह हैं, तो वो रोज भोग लगाया जाता है, तो ऐसी एक दिन जो कुकिंग करके आ रहे थे उनसे थोड़े से चावल जल जाते हैं, तो अब विवाद छिड़ जाता है कि चावल भगवान को भोग लगाने हैं कि नहीं, जल गए हैं, तो एक भक्त का ग्रुप था वो कहते लगा सकते हैं कि दोबारा बनाने का समय नहीं है, है ना, तो भगवान को भूखे रखने से अच्छा जो बन गए हैं वो भोग लगा, दूसरे कहते नहीं लगाने चाहिए, थोड़ा लेट लगाने पर दोबारा बना के लगाए, तो जो कहते थे कि लगाने चाहिए वो जीत जाते हैं, कि वाद विवाद में तो जो अच्छे से प्रेजेंट करते वो जीत सकता है, इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान को वाद विवाद से समझ नहीं सकते, तो अल्टीमेटली ये फैसला हो जाता है कि भोग लगाएंगे, तो भोग लगाने जाते हैं, तो पुजारी होते हैं प्लेट जगन्नाथ जी के आगे रखते हैं, सब मंत्र वगैरह पढ़ के बाहर आते हैं, प्रणाम करने लगते हैं, अंदर से आवाज आते है कि प्लेट पूरी नीचे गिरी, प्लेट पूरी नीचे फैल जाती है, तो जगन्नाथ जी ने उस प्लेट को नीचे फेंक दी, तो कहते हैं फिर उस दिन हमें हमें पता लग गया जगन्नाथ जी को जले हुए चावल ऐसी दिन तो अभी भी होती हैं, पर जो आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत है कोनो कोनो भाग्यवान देखी हमारे पर, कि जो भाग्यवान है जिस आध्यात्मिक आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत है वो इन लीलाओं का अभी भी अनुभव, वो आध्यात्मिक ज्ञान वाले प्रभु जी समझ सकते हैं, जो आध्यात्मिक नहीं है वो तो यूं कहेंगे चूहा आ गया होगा गिरा दिया होगा कहां तुम जगन्नाथ जी, इसके लिए श्रद्धा चाहिए, श्रद्धा चाहिए। और ये तो मैं सिंपल आपको बताता हूं, एक काफी कथा है, जगन्नाथ जी बहुत जल्दी रेसिप्रोकेट करते हैं, जगन्नाथ जी की बहुत लीला है, मायापुर में बहुत अच्छी अच्छी लीला है, राजापुर में जगन्नाथ जी का मंदिर है, तो वो पढ़ सकते हैं, नरसिंह देव की बहुत लीला है मायापुर में, नरसिंह देव जी मायापुर तो अभी भी होता है, भगवान हर किसी के साथ नहीं करते, शुद्ध भक्त के साथ करते हैं, भगवान ऐसे कुछ चमत्कार वगैरह नहीं दिखाते, अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान। वो मैंने सुना है जी कि भाई उन्होंने जो साक्षी गोपाल जी वाली जो लीला है उसमें उन सब ने तो उनको मूर्ति समझा, तो वो कन्फर्म थे कि मूर्ति आएगी नहीं, पर जो लाया उसने तो मूर्ति समझा ही नहीं ना, वो तो भगवान समझ के बैठा था, चलना पड़ेगा बात बनेगी नहीं। ऐसे एक भक्त हैं आई थिंक अगर मैं सही हूँ तो एक उनका नाम है चंडीदास, जहाँ तक मैं सही, जो मुझे लगता है हमारे आचार्य भी हैं बहुत अच्छे अच्छे भजन उन्होंने लिखे हैं, तो बताया जाता है कि पहले वो भगवान के भक्त नहीं थे, वो चंडी जी की पूजा करते थे, उनके जो भाई थे वो भगवान के भक्त थे, बताइए आप, तो घर के अंदर एक काली जी के विग्रह थे और भगवान श्री कृष्ण के विग्रह थे, तो उनके भाई रोज भगवान श्री कृष्ण की पूजा किया करते थे और वो काली जी की पूजा करते थे, तो भाई पूजा करते थे पर उनके अंदर पूरी दृढ़ता वो ऐसा श्रद्धा नहीं थी कि ये स्वयं भगवान है, तो ऐसे औपचारिकता में हम सब ऐसे भारत में प्रथा है पूजा करते हैं, पर उनको बड़ा वो उनसे होता था ये क्यों पूजा करते हैं, चंडी की पूजा करनी चाहिए, तो जब भी वो चंडी देवी को
धूप ऑफर करता था भगवान श्री कृष्ण के नाक में वही लगा देता था इसकी नासिका में इसकी सुगंध नहीं जानी चाहिए। तो भगवान आ रहा था सपने में, रेसिप्रोकेट करते हैं, बातचीत करते हैं, तो वैसे ऐसे तुम क्यों मेरे साथ ऐसा करते हो। तो पूछते हैं कि मेरा भाई बचपन से तुम्हारी पूजा कर रहा है, उनके तो आप कभी ऐसे आदान प्रदान किया नहीं। कहते वो मुझे बच्चे की मूर्ति समझता है, तुम मुझे भगवान समझते, नाक में डाल रहे नाक में क्यों डालते हैं, समझे। तो ये अंतर होता है। अगर हम भगवान समझ के पूजा करते हैं तब भगवान भी रहते हैं, चाहे आप मान ही क्यों ना, भगवान के लिए मान क्या है, भगवान तो एब्सोल्यूट है, ठीक है। और कोई प्रश्न है किसी का? अब तो आउट ऑफ सिलेबस को नंबर है, अब तो पूछो जा सके। आउट ऑफ टेक्स्ट आप भी पूछ सकते हो। नहीं एक्चुअल आज ही सुना मैंने, तो कन्फर्म है। हम जगन्नाथ जी गए थे तभी लीला दिखाई भी थी, पर जैसे उन्होंने बताया तो बोल कलयुग की है, तो वो कलयुग की तो ताजा गया हुआ है। ठीक है ना।